अपने घर जाने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं ये चंदू और रेखा का बिस्तर, देख सकते हैं अभी भी बिस्तर पे है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। अब हम जा रहे, ठीक है, उठ ओके जाओ फिर अब। क्यों नहीं रहो यार, जाने का मन है तो जाओ। और सामने देख सकते हैं भानु दी भी रेडी हो चुकी है। चलो फिर चलते हैं, चलो बाय बाय। Bye-bye. और हमारी याद आ रही है आपको, हम जा रहे थे। आ रही है, वैसे नहीं आ रही है यार हमको। ये साना व्लॉग में जाने वाले को छेड़ा था, जाओ गाइस। ये जा रही है, आप इसको रुक बोलने तो जा नहीं रहे, तो नहीं रुक रही है तो हम क्या कर रहे है ना। सफाई करके जाएगी, बोल रही जा रही है। ये सफाई का काम सारा रेखा का है, जितना भी कूड़ा फैला कितना भी करेगी ये, बस इसका काम है। इसको एक दो दिन इसको रोक रखता मैंने, सफाई जाएगी काम हम करके। मैं जा रही हूँ आज ही। और हमारी चंदू की भी शादी होने वाली है, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। अब हम इनकी शादी का आपको ब्लॉग दिखाएंगे, अगर न्यूता देगी तो। नहीं देंगे, जाओ। और यहाँ पर भानुदी अपने को तिलक लगाने लगी है, जहाँ पर मैंने वो आपको वो नाखून चुपाया, थोड़ा सा चावल लगाओ, फूल भी रखो, जीते रहना ठीक है। तो गाइस हमारे मेहमान जाने लग गए, हमारी पूजा थी। तो दोस्तों हमारे मेहमान जाने लग गए हैं, इनको पिठिया लग रहा है, देख लो। तो दोस्तों शादी निपट गई है, अब सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे हैं। यहाँ पर बस का वेट कर रहे हैं, और देख सकते हैं पहाड़ों में सबसे पहले जब जाते हैं घर को तो पिठियां लगाना की रीति रिवाज है, जो कि काफी सुंदर है। ओए ओए, तो ये रेखा और चंदू हमें छोड़ने के लिए आए हैं, तो तुम्हें कैसा लग रहा है हम जा रहे? तो थैंक यू, सेम टू यू। और ये अंकल जी हमें पिठियां लगा रहे हैं। उसका हम आपको पूरा वो दिखाएंगे। बबीता की नहीं रही, वो बबीता की है, बबीता का भी है। तो देख सकते हैं ये पूरा जनरल स्टोर है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, सुई से तांगे तक का। सही बात, एड्रेस बता दो यहाँ का। एड्रेस दुकान में मतलब ये है आपके सिद्ध बाबा के सामने दुकान होगी, यही ना पूरा मेहरा स्टोर। ये इस दुकान की मालकिन है, छोटी मालकिन है ये, आपको दिखाएगी क्या क्या है यहाँ पर। तो अभी हम दुकान में खरीदने के लिए आए हैं। मैडम क्या क्या रखा है आपने? दाल, चीनी, मिट्टी, गुड़, नमक, तेल, सर्फ, साबुन, वो नहीं रखा है, गुटका नहीं रखा है, गुटका देख ले खा ले, राजमोला ले जा, बेहोश हो जाएगी, ज्यादा खा रखा है तूने। पिछले तीन दिन से हमारे मारे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर दीदी, और चलो अभी ना ब्लॉग तो बनू दिया। और यह है बबीता के पापा, जो कि काफी इनका स्वभाव बहुत अच्छा है, तुमको तुमको मिलवे बहुत बहुत लगा मुझे। यहाँ पर देख सकते हैं रेखा कितनी एक्साइटमेंट है कि इसकी शादी कब होगी। इसने ये जयमाल अपने गले पर डाल दिया। और ये है इनकी कॉस्मेटिक की दुकान, देख सकते हैं यहाँ पर पूरा श्रृंगार मिलेगा आपको लेडीजों का। तो दुगड़ियों देख सकते हैं शादी के माहौल में पता नहीं किसने कुर्सी तोड़ दी, कुर्सी की पूरी हालत डाउन हो चुकी है, जिस हिसाब से हमारी रेखा बहन को बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत ज्यादा। मैं नहीं जाने दूंगी इसको। एक काम करते हैं, हाँ पूजा दीप दे देते हाँ, पैक कर देना, वो छत के ऊपर रख देना, इसको मैं बेच के थोड़े पैसे हो जाएंगे मुझे। तो गाइस ये मेरी बाइक आ गई है, देख सकते हैं हम, ये रुकेगी हाँ, ये रुके क्यों नहीं। तो दोस्तों ये चली गई यार, स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट, वन टू थ्री स्टार्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मेरी दीदी की शादी हो चुकी है। अच्छा हुआ क्या कल का मौसम अच्छा, आप देखो आज का नज़ारा, पहले दिखा दे इनको सबको। हाँ अभी का नज़ारा, कल रात बारिश आई थी तो अभी बारिश थोड़ा कम है, थमी है बारिश। तो दोस्तों बहुत खुश हूँ मैं, दी शादी हो चुकी है, अब अकेले राज करूँगी। जियो इनको, इनकी खुशी को देखो आप। तो रो क्या, वो तो चले, कल तो रोई थी, अब व्लॉग में देखने को मिलेगा कितना रोई थी रेखा। हाँ रोती नहीं हूँ मैं, वो तो खाली फॉर्मेलिटी अदा करती हूँ, दीदी बोलती कितना खुश हो रही है इसलिए रोना पड़ा, वो खाली हल्के हल्के है ना। गाइस ये बहुत नौटंकी वाली है रेखा हमारी,
और इसका डांस देखना ना, तो मस्त डांस करती है। इसकी रील्स, अपनी इंस्टा आई डी बता दो, रेखा मेहरा 8403। तो दोस्तों इनकी इंस्टा आई डी है, इनको कृपया करके फॉलो करें। फॉलो बैक तो ये देने से रही ना, दे दूंगी। हाँ दे देगी फॉलो बैक। और सुनाओ यार फिर, और सब बढ़िया दीदी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप हमें छोड़कर जा रही हो तो बहुत बुरा भी लग रहा है अभी। दिल से बुरा लग रहा है या खाली? दिल से बुरा लग रहा है, खाली वीडियो में बोल रहे। खाली नहीं बोलती मैं। अच्छा हमें भी बुरा लग रहा है बहुत। यही रहो, रहेंगे। बर्फ गिर जाती तो पूजा दी ही रहती, आपसे ज्यादा हमारे वहाँ बर्फ गिरती है। पहले हमारे वहाँ गिरेगी, उसके बाद आपके वहाँ। अच्छा अरे खुशालदा से तुम? हाँ। तो दोस्तों ये हमारे खुशालदा हैं, तो ये बारिश ऐसा क्या कर रही है? हम घर को जा रहे तब? अरे ये आपसे डर गई ना, मौसम कह रहा है कि आपने बहुत मजे कर लिए पहाड़ों के। अच्छा तो अब हमें घर को जाने के लिए अलविदा बोली होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपन मुखड़ते हटा दिया, शुभ होता है अगर शादी के बाद अगर बारिश हो जाए ना। हाँ ये तो शुभ होता है, तो अपन मुखड़ते हटा दिया। बुढ़िया हमारे घर के सारे कपड़े भीग गए, वो अलग बात है ना। क्यों बाहर रखे थे आपने? बाहर रखे थे यार। अच्छा सूख जाएंगे। की बारी अप्रैल में, वो कितनी तारीख है? 18 अप्रैल को ना। हाँ। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कल तुझे रोया था नहीं फिर? बहुत रोई है, बहुत जी बहुत रो रही है यार। तब से इसको बुरा लग रहा है कि शादी के बाद ना फीलिंग क्या होती है असल में ना। हाँ। कि शादी के बाद विदाई क्या होती है ना, और असल में ऐसा कोई दिक्कत नहीं यार, लाइफ की बात है, न्यू जर्नी हैप्पी जर्नी। कोई इसको ही रख रही हूँ, एक काम कर रही हूँ, घर का राज करूंगी। तो दोस्तों इसकी भी शादी है 18 अप्रैल को, आ जाना। रसगुल्ले खाने आना, रसगुल्ले खाने। एड्रेस पता नहीं है कहाँ है। चोरगलिया। तो जितने लोग भी मेरा ये ब्लॉग देखेंगे तो चंदू की शादी में कृपया करके आने का कष्ट करें। चोरगलिया और बाकी एड्रेस क्या है? फरसरामपुर काडवास। अच्छा तो चंदू ने अपना पूरा एड्रेस दे दिया है। नंबर की बात करें तो सुबह से ही बारिश थी, तो अभी ओले गिर गए हैं, देख सकते हैं आप। हमारा पूरा जो लेंटर था वो पूरा भर चुका है, अभी थोड़े थोड़े ओले आ रहे हैं, और शायद आज बर्फ भी गिर सकती है। और देख सकते हैं मौसम बहुत खराब हो रखा है, दो तीन दिन से लगातार बारिश है, और अभी थोड़े बहुत ओले गिर रहे हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप।